क्या आपने सोचा है कि AI आज के टाइम में कौन सा ऐसा काम है जो नहीं कर सकता है? आप कोई भी अपनी पिक्चर एडिट कर सकते हैं या फिर अपना खुद का अवतार क्रिएट कर सकते हैं और AI के जरिए एक मूवी भी बना सकते हैं, और अब AI आपकी कॉल्स भी अटेंड करेगा। सो इसी के साथ ट्रूकॉलर ने सभी इंडियन एंड्रॉयड यूजर्स के लिए एक नया AI फीचर रोल आउट कर दिया है, और इस फीचर का नाम है AI कॉल स्क्रीनिंग। और हालांकि अभी सिर्फ इसको एंड्रॉयड यूजर्स के लिए डिजाइन किया गया है, और इस फीचर की खास बात ये है कि अगर आप किसी इमरजेंसी सिचुएशन में स्टक हो गए हैं, ड्राइव कर रहे हैं या कोई कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो ऐसे में AI अब आपके सारे कॉल्स जो है वो अटेंड करेगा। हालांकि इस फीचर को कंपनी ने बहुत पहले डिजाइन कर दिया था, लेकिन अब इसको इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है और सभी जो एंड्रॉयड यूजर्स हैं वो इस फीचर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस फीचर की कुछ खास बात ये है कि इसको इंडिया में बहुत सारे मल्टीपल लैंग्वेजेस में रोल आउट किया गया है। फिलहाल यूजर्स अभी इसको हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश में इस्तेमाल कर सकते हैं, और कंपनी ने दावा किया है कि कुछ आने वाले टाइम में इसको और ज्यादा इंडियन लैंग्वेजेस का सपोर्ट दिया जाएगा। इसके साथ ही अभी कंपनी ने 14 डेज तक के लिए एक फ्री ट्रायल बेसिस पर इस फीचर को रोल आउट किया है। उसके बाद यूजर्स को ऐप का एक प्रीमियम प्लान लेना होगा, यानी कि आपको ट्रूकॉलर का सब्सक्रिप्शन लेना होगा, जिसमें आपको पर मंथ 149 रुपीज़ और अगर आप पूरे साल का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो 1499 रुपीज़ पे करना होगा। तो उसी के बाद आप इस फीचर का परमानेंटली इस्तेमाल कर पाएंगे। तो ये एक बहुत ही हैंडी फीचर है। तो बात करते हैं कि फीचर काम कैसे करेगा। तो ऐसे में अगर आप ड्राइव कर रहे हैं या किसी ऐसे सिचुएशन में स्टक हो गए हैं कि आप अपने कॉल्स आंसर नहीं कर पा रहे और वो कॉल बहुत ज़रूरी है, तो ऐसे में आप इस फीचर को टर्न ऑन कर सकते हैं। उसके बाद ये आपको बताएगा कि ये कॉल आपके लिए इम्पॉर्टेंट है या नहीं है। साथ में अगर आप उस कॉल का आंसर करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं, इसको भी आप खुद से मैनेज कर सकते हैं। और एक और खास बात इस फीचर में ये है कि वो आपको इसका रीज़न भी बताएगा कि कॉल आपके पास क्यों आ रहा है, और साथ में वो आपके इस कॉल को रिकॉर्ड भी कर सकता है, जिसको आप बाद में सुन सकते हैं और देख सकते हैं कि इस कॉल में क्या कुछ इंपॉर्टेंट था। और ये काम करता है एक वॉइस नोट फीचर की तरह। इसी तरह का फीचर एप्पल ने अपने नए iOS 17 अपडेट में भी जारी किया था, लेकिन ट्रूकॉलर ने अब एंड्रॉयड यूजर्स के लिए इस फीचर को रोल आउट कर दिया है। और मुझे लगता है कि ये फीचर जो है बहुत हेल्पफुल हो सकता है यूजर्स के लिए, क्योंकि आज के टाइम में ना हमारा लाइफ स्केड्यूल इतना ज़्यादा हेक्टिक हो गया, और ऐसे में हम हर टाइम कोई इंपॉर्टेंट कॉल का आंसर नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे में AI आपकी मदद करेगा और आपके इस काम को बहुत इजीली सॉर्ट आउट कर देगा। इस फीचर में एक सिक्योरिटी फीचर भी इनबिल्ट दिया गया है, जिसके जरिए अगर आपके पास कोई अननोन या स्पैम कॉल्स आते हैं, क्योंकि आमतौर आपने देखा होगा कि आजकल ज़्यादातर यूजर्स के पास स्पैम कॉल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, और हम ये फिगर आउट नहीं कर पाते कि कौन से कॉल्स जो हैं वो अननोन कॉल्स हैं या स्पैम कॉल्स हैं, तो ऐसे में ट्रूकॉलर आपके लिए आइडेंटिफाई करेगा कि वो स्पैम कॉल्स हैं और आप उन कॉल को इग्नोर कर सकते हैं या फिर AI के जरिए ब्लॉक भी कर सकते हैं। तो उसके बाद आपको ये पहचानने में भी मदद होगी कि कौन से कॉल्स जेन्युइन हैं और कौन सी कॉल्स जो हैं वो स्पैम कॉल्स हैं। इसके साथ ही इसमें आपको एक ग्रीन बटन मिलेगा, तो ऐसे में अगर आप इमरजेंसी में हैं और उस कॉल को पिक करना चाहते हैं, तो उस बटन पे क्लिक करके आप मैन्युअली उस कॉल को अटेंड भी कर सकते हैं। तो इस फीचर की एक और खास बात ये है कि ऐसे में अगर आप कॉल अटेंड नहीं कर पा रहे हैं, तो एक वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो आपके बिहाफ पर एक कॉल अटेंड करेगा, और आप एक मैसेज रिकॉर्ड करके भी छोड़ सकते हैं। सो जब भी यूजर के पास फ्री टाइम होगा तो वो उसमें देख सकता है कि क्या क्या कॉन्वर्जेशन हुई है या फिर क्या कोई इंपॉर्टेंट मैसेज था, जिसे आप चेक कर सकते हैं। हालांकि ये फीचर ट्रूकॉलर ने अभी सिर्फ एंड्रॉयड यूजर्स के लिए जारी किया है, और देखना ये है कि क्या कंपनी जल्द ही इसको आईफोन यूजर्स यानी कि iOS में भी जारी करेगा या नहीं करेगा। लेकिन मेरे हिसाब से ये फीचर जो है ये बहुत यूजफुल होने वाला है और बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है, और आज के टाइम में हमारी जो डिपेंडेंसी है वो AI पे बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। तो ये वाला जो फीचर है ना, ये मुझे लगता है कि काफ़ी पहले टाइम तक भी आ जाना चाहिए था, लेकिन अब ये फीचर आ गया है। तो अगर आपने इसको इस्तेमाल नहीं किया है तो एक बार इसको ट्राई करके देखें। और इस फीचर को लेकर आपका क्या ओपिनियन है, या फिर आपको इस फीचर को लेकर कोई क्वेश्चंस हैं जो आप जानना चाहते हैं, कैसे इसको इस्तेमाल करें, ये सब जानना चाहते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। तो साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें।